नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा मैसेज। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में, चाइना में इस समय कोविड के बहुत पीक केसेस आ रहे हैं और ये नया वेरिएंट है जो वहां पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इंडिया में भी काफी जगह पर ऐसी गाइडलाइन दे रखी है कि पब्लिक प्लेस, भीड़ भाड़ में आप जब भी जाएं तो मास्क का यूज जरूर करें। अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो दूसरा हमारा जो वीडियो है दोस्तों, आज फाइलेरिया पे फोकस है। फाइलेरिया एक तरह की ऐसी बीमारी है जो कि आपके स्पेशली हाथ या पैर के एरिया को अफेक्ट करती है, जिसे हिंदी में फील पाव या इसे हाथी पाव के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज ज्यादा प्रभावित होती है। मेल्स में अधिकतर पैर के अलावा उनके जो जेनाइटेलिया है, जी हाँ, मेल तंत्र जो होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है और काफी ज्यादा स्वेलिंग जो आपका स्क्रोटम या टेस्टिस है उसमें भी पाई जाने लगती है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे होम्योपैथी में इसके लिए क्या बेस्ट मेडिसिन है और क्या क्या इसके लक्षण है, कैसे कैसे क्या डेवलप होता है, एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों को शेयर करें। दोस्तों फाइलेरिया एक तरह के वर्म, फाइलेरियल वर्म, ये एक तरह का नेमेटोड होता है, पैरासाइट होता है, ऑब्वियस सी बात है, परजीवी होता है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। एक तरह का वर्म होता है जिसको मच्छर जो होता है, जी हाँ, मॉस्किटो जो होता है, उसमें भी एक वैरायटी होती है मॉस्किटो की जो इसे ट्रांसफर करती है, बट होता एक तरह के वर्म इन्फेक्शन से है। ये वर्म करता क्या है, ये कीड़ा करता क्या है, आपका जो लिम्फ नोड, दोस्तों लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल हमारे शरीर का एक तंत्र, जिस तरह से हमारे शरीर में खून या ब्लड बहने के लिए नलिकाएं दी हुई हैं, उसी तरह हमारे शरीर के वाटर या कह सकते हैं पानी के फिल्ट्रेशन के लिए, या जो आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, और सरल भाषा में बताया कोशिकाओं के बीच का जो पानी होता है उनको फिल्टर करने के लिए एक सिस्टम और चेन बनी हुई है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें लिम्फ नोड मेनली आती हैं और इन लिम्फ नोड्स को जोड़ने के लिए आप देखेंगे धागे जैसी संरचना जो कि इसमें से फ्लूइड को कैरी करती है वो आती है। जब ये पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को तो ये क्या करती है, पाइप्स में जाकर उनको ब्लॉक करने लगती हैं, या जो लिम्फ नोड होती हैं, जो गांठें होती हैं इस सिस्टम की, उनमें जाकर रहना और डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। तो धीरे धीरे पेशेंट को क्या होता है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो चैनलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उसका फ्लो अच्छे से, धारा प्रवाह अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए अफेक्टेड एरिया में और सामान्यतः पैर वाले एरिया में मोटापन आने लगता है। धीरे धीरे स्किन जो है मोटी होने लगती है और जो अंदर की पाइप्स होती हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन और हार्डनिंग डेवलपमेंट होने लगता है। यही हाल आपके स्क्रोटम या टेस्टिस वाले एरिया में भी हो सकता है और कई बार हाथ में भी देखा जाता है, मुख्यतः पैरों में ज्यादा देखा जाता है। तो बहुत सरल भाषा में मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है, उसकी पाइप और जो गांठ होती है, नोड्यूल्स होते हैं, उनमें रहकर मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इसके फलस्वरूप पेशेंट को पैर में सूजन और स्किन का मोटापन महसूस होता है। दोस्तों मैंने पहले भी इस पे लगभग 4 या 5 साल पहले वीडियो बनाया था और काफी ज्यादा वो वीडियो देखा गया, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें कई सारी मेडिसिन की हमने वन बाय वन चर्चा की और बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहां पर इस वीडियो में एक पेटेंट दवा, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सिम्टम है, कैसा सिम्टम है, क्या मेडिसिन दे, समझ नहीं आ रही, तो ये जो पेटेंट दवा है मैक्सिमम केसेस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्योर का कैसा ये तो मैं नहीं बोलूंगा, बट रिजल्ट आपको लगभग 10 में से 8 पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। क्योर के लिए वो वीडियो जरूर देखें, मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस मेडिसिन को, ये एलन कंपनी की दवा है, आप देख पा रहे होंगे A57 ड्रॉप के नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अंदर कुछ ऐसी दवाएं मिलाई गई हैं जिनका हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे बहुत अच्छा रोल है और उसी के फलस्वरूप हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। पैरों की जो स्वेलिंग है, साथ ही साथ चूंकि स्किन मोटी होती है तो वहां पर टिंगलिंग और झुनझुनाहट कभी कभी होने लगती है, पेशेंट को खुजली सा महसूस होने लगता है या कभी कभी पेन भी होने लगता है पेशेंट को, उन सभी में काफी अच्छा रिजल्ट दे देती है। तो इसके अंदर एक एक कंपोनेंट चर्चा कर लेते हैं क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर एसिड फ्लोर मिला हुआ है। दोस्तों एसिड फ्लोर की एक बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि शरीर में कहीं भी गांठ की अगर संरचना हो रही है, हार्डनिंग आ रही, चाहे वो पाइप में हो चाहे वो नोड्स में हो, दोनों ही जगह एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करता है। एसिड फ्लोर दोस्तों एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, बट इसका मेन एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि गांठ या हार्डनिंग ऑफ टिश्यू में
इसका बहुत अच्छा रोल है, इसीलिए कई बार ब्रेस्ट की गांठ हो गई या बच्चेदानी की गांठ हो गई, एसिड फ्लोर दिया जाता है 200 पोटेंसी में, सुबह शाम अलग से हम लोग दे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेमामेलिस वर्जिनिका। दोस्तों हेमामेलिस वर्जिनिका की बहुत विशेष बात है, ब्लीडिंग टेंडेंसी ब्लड आने पे हम लोग बहुत ज्यादा देते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी किसी नली में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो हेमामेलिस इस स्वेलिंग को एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है, स्वेलिंग को कम करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेड्रॉन एक दवा है, सेड्रॉन का भी बहुत अच्छा नेचर है कि एंटी इंफ्लेमेटरी का ही काम करती है, बट इसके अंदर पीरियोडिसिटी होती है। ऐसे पेशेंट जिनको गांठ में दर्द हो रहा है और दर्द जो झटके की तरह, एक धागे की तरह दर्द आगे बढ़ रहा है, कई बार ऐसे पेशेंट आपको मिलेंगे जिनके पैर या स्क्रोटम में गांठें डेवलप हो गई है, पूरा पैर स्वेल हो गया है और उनमें हल्का हल्का दर्द होता है, और ये दर्द रेडिएटिंग पेन रखता है और बहुत पीरियोडिक होता है, आज हुआ फिर कल नहीं हुआ परसों हो गया, समय बंद कर आता है, या सुबह होता है तो सिर्फ सुबह ही सुबह दर्द होता है। तो सेड्रॉन जो है पीरियोडिसिटी के लिए माना जाता है, और लेंसिनेटिंग पेन अगर किसी को हो रहा है गांठ में स्वेलिंग के साथ तो भी सेड्रॉन बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका। दोस्तों हाइड्रोकोटाइल का एक नेचर है जहां पर भी एक्सफोलिएशन होता है, अर्थात जहां पर स्किन की लेयर मोटी होती जाती है, अलग से भी हम लोग सोरियासिस या एक्जिमा जैसे केसेस जहां स्किन बहुत मोटी भद्दी सी दिखने लगती है, हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में या 30 पोटेंसी में देना हम लोग प्रिफर करते हैं। तो यहां पर भी दोस्तों कई पेशेंट की स्किन जो है धीरे धीरे करके, चूंकि फ्लो प्रॉपर नहीं होता टिश्यूज में, तो मल्टीप्लाई करके मोटी होने लगती है, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोकोटाइल भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम का एक बहुत ही विशेष लक्षण है कि पेरिफेरल में जो न्यूराइटिस हो जाती है, कई बार आप शुगर के पेशेंट देखेंगे जिनको शुगर की समस्या है, उनके हाथ या पैर वाले एरिया में झुनझुनाहट या टिंगलिंग जैसा महसूस होता है, यही सेम समस्या चूंकि पैर की पूरा पैर मोटा होने लगता है, तो नसों का जो सिग्नल होता है उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी होती है, और पेशेंट को टिंगलिंग और नंबनेस जैसी समस्या महसूस होती है, झुनझुनाहट जैसा महसूस होता है। तो ये जो आर्सेनिक एल्बम का मेन फंक्शन है, किसी को एलिफेंटियासिस या फील पाव हुआ है और पैरों में झुनझुनाहट या नंबनेस वगैरह जैसी फील हो रही है, पेरिफेरल न्यूराइटिस के सिम्टम आ रहे हैं, झुनझुनाहट सी महसूस हो रही है, तो आर्सेनिक एल्बम अलग से लेकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन के अंदर जो पेटेंट मेडिसिन है ये 57, इसके अंदर लगभग जो 5 दवाएं मिलाई गई हैं, ओवरऑल आपकी चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग हो या गांठ हो, एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करेगी, दर्द को भी रोकने का ही काम करेगी, पेरिफेरल न्यूराइटिस, झुंझुनाहट वगैरह, और अगर रिफर्ड पेन हो रहा है जो कि सेड्रॉन का बहुत अच्छा नेचर है, लेंसिनेटिंग रिफर्ड पेन, वो भी आप कवर अप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस दवा को लेने का तरीका, आप 20 ड्रॉप, जी हाँ 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार मिनिमम 1.5 महीने तक सेवन जरूर करके देखें, 10 में से 8 पेशेंट को बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।